मैं आज आपको बताऊंगी बोट गला बनाना। बोट गला कैसे बनाते हैं? बोट गला इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है। अगर आप इसमें कोई डिजाइन देना चाहते हो तो इसमें कोई डिजाइन भी दे सकते हो, जैसे वी शेप में, या फिर आप हल्की सी कट भी दे सकते हो। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये गला कैसे बनेगा। जिसके लिए सबसे पहले मेरे पास ये बुकरम है, उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड आपने इस हिसाब से करना कि आपने जो चौड़ाई है वो आपने कितनी लेनी है, ठीक है। तो मैं जो चौड़ाई लेने लगी हूँ इसकी होगी जो 4 इंच की होगी। तो हमारे पास इस तरह से बुकरम को फोल्ड करने के बाद जो क्लोज साइड है उस साइड से हम इस तरह से इंची टेप को रखते हुए 4 इंच का यहाँ पे मार्क करेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा मार्जिन के लिए देंगे, ठीक है। इसके बाद हमने इस पॉइंट से बोट टाइप की शेप देनी है। तो आप देखोगे इस तरह से मैंने ये शेप दे दी है, और मैं यहाँ तक आने के बाद यहाँ पर हल्की सी मैं यहाँ पर कट दूंगी। आपने ये कट कितना लंबा रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर सिर्फ 2.5 इंच का कटिंग करूंगी, ठीक है। यहाँ पर मार्क करने के बाद हम इस आप यहाँ पर टिक कर लीजिए 1/2 इंच का या 1/2 से कम इंच का यहाँ पर पॉइंट पे निशान लगाने के बाद हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे जो हमने यहाँ पर लिया था। अब आप देखेंगे कि इस तरह से ये मार्क हो चुका है, हमने इसको इस तरह से मिलाना है, ठीक है। अब हम यहाँ से जो हमने मार्जिन लिया था उसके अकॉर्डिंग हम थोड़े से गैप में इस तरह से डबल लाइन करेंगे। अब हमने करनी है इसकी कटिंग। सबसे पहले हम जो हमारी लास्ट वाली लाइन है उसके ऊपर कटिंग करेंगे इस तरह से। आपने बुकरम को पूरा टाइट पकड़ना है ताकि हिले ना। अगर ये थोड़ी सी भी हिलगी तो आपका जो गला है वो खराब हो जाएगा। अब इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हमने यहां से कटिंग करना है। कटिंग करते टाइम ध्यान रखना है कि हमने इस पॉइंट तक ही कटिंग करनी है, यहां से कटिंग बिल्कुल नहीं करनी। अब आप देखेंगे कि इस तरह से गले की कटिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से एक चौरस पीस का लेना है, फैब्रिक का एक चौरस पीस लेना है सूट के साथ का, और हमने सेम उसके ऊपर भी वही मार्क करने हैं जो हमने उसके ऊपर करे थे। हमने वहां पे 4 इंच का मार्क किया था तो इसके ऊपर भी हम 4 इंच का मार्क करेंगे। फ्रेंड्स आप देखोगे कि मैंने गले को इस तरह से कपड़े के ऊपर फिक्स कर दिया है। तो अब हम इसको यहाँ से कटिंग दे के और इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे कपड़े को। इस तरह से करने के बाद अब हम इस कपड़े को इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। अब आप देखेंगे कि मैंने इस तरह से बना दिया है। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद हम यहाँ पे हल्का सा कटिंग कर देंगे ताकि आपको सेंटर पॉइंट का पता चल जाए, ठीक है, इस तरह से। और ये है हमारे पास कमीज जिसके ऊपर हमने इसको लगाना है, तो हम इसका भी एक सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे ताकि आपको इसको जोड़ने में आसानी रहे। तो हमारे पास इस तरह से सेंटर पॉइंट आ चुका है। अब हमने क्या करना है, जो बुकरम की
फ्रंट साइड है जहाँ पे बुकरम है उसको ऊपर रखना है, और दोनों सेंटर पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए हम इस गले को इसके ऊपर जोड़ेंगे। फिर हम इसके बीच में सेंटर में एक स्टिच कर देंगे ताकि आपका ये जो गला है वो हिले ना बिल्कुल भी। सेंटर में स्टिच करने के बाद अब हम यहाँ पे पूरा स्टिच कर देंगे। अब हमने यहाँ पर स्टिच करना है पूरा। आपने ध्यान रखना है कि जो हमारी बुकरम है उसके ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आनी चाहिए। अगर आपके बुकरम के ऊपर सिलाई आ गई तो आपका जो गला है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। इस तरह बनाने के बाद अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करेंगे थोड़ा सा मार्जिन देते हुए। करने के बाद अब हम कपड़े को इस तरह से ओपन साइड से फ्रंट साइड से इस तरह अंदर को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जो किनारी है इस पर स्टिचिंग करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि इस तरह से जो प्रिटी बोट गर्ल है वो रेडी हो चुका है जो बहुत ही नाइस लुक दे रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू।